कहानी की शुरुआत ब्रैट नाम के एक लोन शार्क से होती है जो लोगों से अपना पैसा निकलवाने के लिए बहुत ही बेदर्दी से काम करता था, जिसके लिए उसने डैनी नाम के एक आदमी को रखा हुआ था। डैनी को बचपन से एक पिंजरे के अंदर रखा गया था जहां उसे खाने के लिए कुत्तों का खाना दिया जाता था। कभी बाहर न जाने की वजह से डैनी के दिमाग का विकास हुआ ही नहीं था। साथ ही डैनी के गले में एक पट्टा भी बंधा हुआ था जिसके खुलते ही वो एक खतरनाक जानवर की तरह किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता था। लेकिन ब्रैट फिर भी डैनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता और वहीं समझ ना होने की वजह से डैनी को ये उसके प्यार करने का तरीका ही लगता। डैनी के पिंजरे में एक फर्स्ट क्लास की किताब भी पड़ी थी जिसे देख कर वो अपना टाइम पास किया करता था। अगले दिन वो लोग वापस अपने काम पर निकल गए, पर इस बार उनका शिकार एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। वो बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं था और उसे डैनी की इस कॉलर ट्रिक के बारे में भी अच्छे से पता था और इसीलिए उसने ब्रैट को डैनी के पास जाने ही नहीं दिया। जल्द ही उसके आदमियों ने ब्रैट को पीटना शुरू कर दिया और वहीं पास में खड़े डैनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पर तभी किसी तरह से ब्रैट ने खुद को बचाते हुए उसके गले का पट्टा खोल दिया, जिसके बाद डैनी ने तुरंत वहां मौजूद सभी आदमियों को पीटना शुरू कर दिया और उसकी इस काबिलियत को देखकर वहीं पास में खड़ा वेद काफी हैरान था, जो कि एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग का मालिक भी था और उसे डैनी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाने का एक मौका दिखा। सभी आदमियों को पीटने के बाद जब वो लोग बाहर आए तो ब्रैट अभी भी डैनी पर ही गुस्सा कर रहा था और उसकी जान बचाने के बावजूद भी ब्रैट के मुताबिक डैनी किसी काम का नहीं है। डैनी को अच्छे से डांटने के बाद वो लोग उस दिन की आखिरी जगह पर गए जो कि एक एंटीक वेयर हाउस था और ब्रैट पिछली बार की तरह मार नहीं खाना चाहता था और इसीलिए उसने डैनी को वेयर हाउस में रुककर इंतजार करते हुए एक अलार्म पर नजर रखने को कहा और जैसे ही उस अलार्म की बत्ती जली तो डैनी को अंदर जाकर ब्रैट को बचाना है। वेयर हाउस में इंतजार करते वक्त डैनी की नजर वहां मौजूद एक पियानो पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे अपनी किताब में बनी हुई तस्वीर याद आ गई और उसने पियानो के बटन्स दबाना शुरू कर दिया। उसी वक्त उस कमरे में सैम नाम का एक अंधा आदमी आया जो उस पियानो को ठीक करने के लिए ही आया था और पियानो में डैनी की रुचि देखकर सैम ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। डैनी अब पियानो को बजाने में थोड़ा मग्न हो गया। उसकी इस चुप्पी से सैम को कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उसने डैनी को पास में ही लगी हुई एक घड़ी की आवाज पर ध्यान देने को कहा, पर घड़ी की तरफ देखते ही डैनी को अलार्म की याद आ गई और जैसे ही उसने बत्ती की तरफ देखा तो वो तो पहले से ही जल रही थी। डैनी तुरंत ही उस कमरे की तरफ भागा जहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्रैट और उसके आदमियों ने सबको हरा तो दिया था लेकिन इस लड़ाई में उन सबको बहुत चोटें आ गई थी। अपने बेस पर वापस आने के बाद ब्रैट ने उसे बहुत गालियां सुनाई, जिसके बाद डैनी को वापस पिंजरे में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ब्रैट से मिलने के लिए व्यथ वहां आया, जिसके पास पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया ऑफर था। असल में व्यथ डैनी को अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में लड़वाना चाहता था और ये एक डेथ मैच था, जिसका मतलब ये है कि या तो इसमें डैनी ब्रैट के लिए बहुत सारा पैसा कमाएगा या फिर मैच में ही मारा जाएगा। पैसों की बात सुनते ही ब्रैट इस डील के लिए तैयार हो गया। अगले दिन डैनी को रिंग में ले जाया गया जहां उसके सामने एक ऐसा रेसलर था जो कि 3 साल से लगातार चैंपियन बन रहा था और इसीलिए सभी लोगों ने उस रेसलर की जीत पर पैसा लगाया। पर मैच शुरू होते ही डैनी ने उस रेसलर के गले में 3 मुक्के मारकर मैच को 1 ही मिनट के अंदर खत्म कर दिया। व्यथ डैनी से बहुत ज्यादा खुश था और उसने तुरंत ही ब्रैट को उसके हिस्से के पैसे दे दिए। ब्रैट पहली बार डैनी के काम से खुश था और इसीलिए उसने डैनी को कुछ भी मांगने को कहा, पर जब डैनी ने उसके सामने पियानो की डिमांड रखी तो ब्रैट ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया। तभी अचानक से एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को ठोका। असल में ये काम उसी व्यापारी का था जिसे डैनी ने पिछले दिन पीटा था और आज वो उन सब से बदला लेने के लिए आया था। गाड़ी को ठोकने के बाद उसके आदमियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में ब्रैट तो नहीं बचा, पर डैनी एक गोली लगने के बावजूद भी किसी तरह जिंदा बच गया। ब्रैट की मौत के बाद डैनी के पास अब कोई घर नहीं था, इसीलिए वो सीधा एंटीक वेयर हाउस चला गया, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर सैम से हुई, जिसने डैनी को उसके कदमों की आवाजों से ही पहचान लिया। पर सैम के कुछ बोलने से पहले ही वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो पहली बार एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी नई जगह पर था। असल में पिछले 2 दिन से सैम अपने घर पर ही उसका ध्यान रख रहा था। डैनी को इतने प्यार की आदत नहीं थी, इसीलिए वो घबरा सा गया। थोड़ी देर बाद सैम की बेटी विक्टोरिया भी घर आ गई, जिसे देखते ही डैनी बिस्तर के नीचे छुप गया
विक्टोरिया को पता था कि डैनी को पियानो में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उसके लिए एक कीबोर्ड लेकर आई थी। डिनर के वक्त वो दोनों डैनी का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद डैनी भी अपने कीबोर्ड के साथ उनके साथ खाना खाने के लिए आ गया। लेकिन उसने आज तक लोगों के साथ खाना नहीं खाया था और इसीलिए विक्टोरिया ने उसे अच्छे से खाना खाना सिखाया। थोड़ी देर बाद सैम ने डैनी के पट्टे को निकालने की कोशिश की, पर डैनी अभी इसके लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह सैम और डैनी विक्टोरिया को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए गए, जहां अंदर जाने से पहले विक्टोरिया ने उसके गाल पर एक किस की, जिसके बाद डैनी को काफी शर्म आ रही थी। असल में उसने किस के बारे में एक किताब में पढ़ा था और आज उसने पहली बार इसे महसूस किया। डैनी की इस खुशी को महसूस करके सैम भी काफी खुश था। उसी शाम सैम ने डैनी से विक्टोरिया को कॉलेज से लाने को कहा और सैम की बात मानते हुए डैनी विक्टोरिया के कॉलेज गया, जिसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने चले गए। रात के समय विक्टोरिया को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डैनी को पियानो सिखाने लग गई, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। डैनी बहुत ही कम समय में उनकी दुनिया का एक हिस्सा बन चुका था। कुछ दिनों बाद सैम और डैनी सामान लेने के लिए मार्केट गए, जहां अचानक से कुछ गुंडों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी डर गए। पर डैनी फिर भी बेफिक्र होकर अपनी सब्जियों को चुनने में लगा हुआ था। उसकी ये बात सैम को काफी अजीब लगी और जब उसने डैनी से इस बारे में पूछा तो डैनी ने कहा कि मेरे साथ थोड़ी लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो उन्हें। सैम को उसका ये जवाब भी बहुत अजीब लगा और इसीलिए उसने डैनी से उसके बीते हुए कल के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे पता चला कि डैनी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगले कुछ दिनों में वो तीनों एक परिवार की तरह रहने लग गए और अब डैनी ने विक्टोरिया को उसके गले में बंधे हुए पट्टे को हटाने की इजाजत भी दे दी थी। एक दिन सैम डैनी को अपने साथ एक पियानो ठीक करने के लिए लेकर गया, जहां उसने उसे बताया कि वो लोग विक्टोरिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। ये सुनते ही डैनी काफी उदास हो गया, पर तभी सैम ने उसकी उदासी दूर करते हुए उसे बताया कि तुझे भी तो साथ ही लेकर जाएंगे पागल। काम खत्म होने के बाद डैनी को उसके हिस्से के आधे पैसे दिए गए और पैसे मिलते ही डैनी तुरंत ही सबके लिए तोहफे लेने चला गया। पर घर वापस जाते वक्त उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो ब्रैट के लिए काम किया करता था और उसने डैनी को बताया कि ब्रैट अब भी जिंदा है और वो तो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। डैनी भी वापस जाने के लिए तैयार था क्योंकि वो अपने माता पिता के बारे में ब्रैट से पूछना चाहता था। खैर पूछने पर ब्रैट ने बताया कि उसे तो डैनी रोड के किनारे पर मिला था और इसीलिए उसने कभी भी उसके माता पिता के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसके बाद डैनी को फिर से पट्टा पहनाकर डेथ मैच के लिए ले जाया गया, पर इस बार ब्रैट के पट्टा खोलने का डैनी पर कोई असर नहीं हुआ। साथ ही डैनी ने किसी को मारने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती रिंग के अंदर धकेल दिया गया, जहां दुश्मन के हमला करने के बावजूद भी डैनी ने उस पर हाथ नहीं उठाया, जिससे परेशान होकर कई सारे फाइटर्स को एक साथ रिंग में भेज दिया गया। लेकिन फिर भी डैनी ने सबसे मार खाने के बावजूद भी किसी पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन तभी अचानक से एक फाइटर ने डैनी के हाथ के ऊपर पैर रख दिया, जिसके बाद उसके दिमाग में कुछ अजीब सा हुआ और उसने तुरंत ही सभी फाइटर्स को मारना शुरू कर दिया। आखिर में बेचारे डैनी को फिर से पीट कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। उधर सैम और विक्टोरिया डैनी को लेकर काफी परेशान थे, पर उनके पास उसका कोई अता पता नहीं था। इधर मौका मिलते ही डैनी अपने पिंजरे से बाहर निकलकर ब्रैट के ऑफिस में पहुंच गया, जहां उसे कुछ तस्वीरें मिली और जल्द ही उसने उन तस्वीरों में खुद को पहचान लिया। उन तस्वीरों में वो अपनी माँ के साथ पियानो पर बैठा हुआ था। इसके बाद डैनी ने गुस्से में ब्रैट पर हमला करके उससे एक आखिरी बार अपनी माँ के बारे में पूछा, जिसके बाद ब्रैट ने उसे बताया कि असल में डैनी की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो अक्सर ब्रैट के पास आया करती थी, जिस दौरान वो कई बार डैनी को भी अपने साथ लाती थी। लेकिन ब्रैट अंदर ही अंदर उसकी माँ से प्यार करने लगा था और इसीलिए जब एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई तो उसने डैनी को अपने साथ रख लिया। अगले दिन जब वो लोग काम पर जा रहे थे तो अचानक से डैनी को परिवार शब्द सुनाई दिया, जिसे सुनते ही उसे सैम और विक्टोरिया की याद आ गई और उसने तुरंत ही ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिस वजह से उनकी गाड़ी पलट गई। इस मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भागकर सीधा अपने परिवार के पास पहुंच गया। उधर सैम और विक्टोरिया भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। जब डैनी ने अपनी माँ की कहानी सुनाई तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। विक्टोरिया ने उन तस्वीरों को देखकर सैम को उस जगह के बारे में बताया, जिससे सैम जल्द ही समझ गया कि ये कौन सी जगह है। इसके बाद सैम डैनी की माँ के बारे में और जानकारी लेने के लिए उस जगह पर गया, जहाँ पर काम करने वाले लोगों ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और उनके मुताबिक डैनी की माँ एक पियानो प्लेयर थी। पर एक दिन अचानक से वो अपने बेटे के साथ गायब हो गई। उधर विक्टोरिया ने उस तस्वीर में मौजूद म्यूजिक नोट्स को पढ़कर उन्हें पियानो पर बजाना शुरू कर दिया।
ये वही धुन थी जो डैनी की माँ बजाया करती थी, और उस धुन को सुनते ही डैनी की सारी याददाश्त वापस आ गई। असल में डैनी की माँ एक बहुत ही गरीब पियानो प्लेयर थी, और इसीलिए उन्होंने अपने शरीर के बदले ब्रैड से एक लोन लिया था, पर वो हमेशा डैनी को इस सबसे बहुत दूर रखती थी। पर एक दिन जब ब्रैड को इस बारे में पता चला तो उसने डैनी से मिलने की कोशिश की, पर उसकी माँ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इतनी सी बात से तिल मिलाकर ब्रैड ने उसकी माँ को गोली मार दी, जिसके बाद उसने डैनी को भी अपना गुलाम बना लिया। इधर याददाश्त वापस आते ही डैनी समझ गया था कि ब्रैड एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, और इसीलिए उसने विक्टोरिया और सैम को जल्द से जल्द शहर छोड़ने को कहा। पर उनके वहां से जाने से पहले ही ब्रैड और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, इसलिए डैनी ने उनको अलमारी के अंदर छुपा दिया, जिसके बाद वो खुद ब्रैड के आदमियों का सामना करने चला गया। और इस बार उसका मुकाबला स्ट्रेंजर नाम के एक आदमी से था, जो ठीक उसी की तरह लड़ता था, पर फिर भी डैनी ने उसे आसानी से हरा दिया। आखिर में ब्रैड खुद डैनी को ढूंढते हुए उसके घर में आया, जहां उसने सैम और विक्टोरिया को जान से मारने की धमकी देते हुए डैनी को सरेंडर करने को कहा। डैनी किसी भी हाल में सैम और विक्टोरिया को खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए वो इसके लिए तैयार भी हो गया। पर जैसे ही ब्रैड ने उसे पट्टा पहनाने की कोशिश की, तभी डैनी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। डैनी इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी भी हाल में ब्रैड को खत्म करना चाहता था, पर ऐन वक्त पर सैम और विक्टोरिया ने बीच में आकर उसे बचा लिया। उसी समय पुलिस भी वहां आ गई, और उन्होंने ब्रैड के किए हुए अपराधों के लिए उसे अरेस्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद सैम और डैनी एक साथ विक्टोरिया का शो देखने के लिए गए, जहां शो से पहले विक्टोरिया ने सभी को बताया कि वो ये गाना किसी खास इंसान के लिए बजाने वाली है, और असल में ये धुन वही थी जो अक्सर डैनी की माँ बजाया करती थी। ये देखकर डैनी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।